दोस्तों प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मेरु पर्वत का जिक्र मिलता है जो कि यूनिवर्स में नॉलेज और विजडम का सेंटर माना जाता है। अब कहा जाता है कि इस पवित्र पर्वत पर देवी देवता निवास करते हैं और ये ब्रह्मांड के सारे भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र है। ग्रीक माइथोलॉजी में भी हमें यूनिवर्स में नॉलेज के सेंट्रल पॉइंट का जिक्र मिलता है जिसे ओरेकल ऑफ डेल्फी नाम दिया गया है। ये एक जगह है जो मॉडर्न डे ग्रीस में मौजूद है। अब कहानी है कि पाइथिया नाम की एक पुजारन हुआ करती थी जिसकी भक्ति से खुश होकर भगवान अपोलो उसके लिए आकाशवाणी करते हैं और उसे दुनिया के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का सारा ज्ञान दे देते हैं। और अब जरा नॉर्स माइथोलॉजी के बारे में सुनिए। इसमें भी हमें यग्द्रासिल नाम के एक ट्री के बारे में बताया गया है जो नॉर्स कॉस्मोस के 9 वर्ल्ड को आपस में जोड़ता है। अब देखो कहने का मतलब यह है कि दुनिया के अलग अलग सिविलाइजेशंस में एक ऐसे प्लेस का जिक्र है ही जहां यूनिवर्स की सारी नॉलेज कंसंट्रेटेड है। अब ये जगह असल में है या नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर है तो जरा सोच के देखो कि उसकी प्रोसेसिंग स्पीड और मेमोरी पावर दोनों कितने ज्यादा होंगे। जी हाँ, मॉडर्न दुनिया में हम किसी कंप्यूटर के एडवांसमेंट को इन्हीं दो फैक्टर्स को देखते हुए निकालते हैं। अब अगर बात आज मौजूद सबसे एडवांस्ड और सुपर फास्ट कंप्यूटर की करें तो वो है फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर जो अमेरिका के टेनेसी के ओक रिज लीडरशिप कंप्यूटिंग फैसिलिटी में मौजूद है। अब आपको बता दूं कि इसकी परफॉर्मेंस 1.102 एक्साफ्लॉप्स है। मतलब थोड़े सिंपल तरीके से समझाता हूँ तो ये कंप्यूटर एक सेकंड में 10^18 ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है, वो भी आसानी से। अब देखो अगर हम इसे ह्यूमन ब्रेन से कंपेयर करें तो भाई हमारा ब्रेन एक सेकंड में 10^16 ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है जो एक ह्यूमन के लिए तो बिल्कुल भी कम नहीं है। लेकिन दुनिया का मोस्ट एडवांस सुपर कंप्यूटर इससे भी 100 गुना ज्यादा फास्ट है। लेकिन देखो सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड यहीं तक लिमिटेड नहीं रहने वाली। साल 2018 में चाइना के कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि वो साल 2035 तक जेटा स्केल सुपर कंप्यूटर्स को डेवलप कर लेंगे। अब देखो ये ऐसे सुपर कंप्यूटर्स होंगे जो आज के फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर्स जो कि एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर्स हैं उससे भी 1000 गुना ज्यादा तेज होंगे। अब दोस्तों अगर हम फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो उसके अनाउंसमेंट भी अभी पिछले साल 2022 में ही हुई थी और उसके पहले तक हमारे पास जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था ना उसे पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर कहते थे और वो इससे 1000 गुना स्लो था। और पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर के पहले टेरा स्केल सुपर कंप्यूटर था जो उससे भी 1000 गुना स्लो था। अब दोस्तों सुपर कंप्यूटर्स की हिस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि हम इंसान हर 10 से 15 सालों के समय में अपने इन सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड को 1000 गुना बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या ये स्पीड हमेशा इसी तरह बढ़ती रहने वाली है या फिर यूनिवर्स की हर चीज की तरह ही इसकी भी एक लिमिट होगी? वेल, साल 1999 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के एक प्रोफेसर एंडर सैंडबर्ग ने एक रिसर्च पेपर जारी किया था। इसका टाइटल था द फिजिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सुपर ऑब्जेक्ट्स। इसमें उन्होंने बताया है कि सुपर फास्ट कंप्यूटर्स को लेकर 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो लिमिटेशंस क्रिएट करते हैं। नंबर 1 प्रोसेसिंग एंड मेमोरी डेंसिटी, नंबर 2 प्रोसेसिंग स्पीड, नंबर 3 कम्युनिकेशन डिलेज एंड नंबर 4 एनर्जी सप्लाई। तो चलिए सबसे पहले हम पहले पॉइंट को समझते हैं। देखो प्रोसेसर्स और मेमोरीज के अंदर बहुत सारी चिप्स और सर्किट्स होती है और फिजिक्स के लॉज इनकी साइज पर एक लिमिटेशंस लगा देती है। मतलब भाई जस्ट फॉर एग्जांपल अगर एक सर्किट 1 मिलीमीटर का है और आप उसे छोटा करना चाहते हो तो वो एक लिमिट तक ही छोटा हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आप उसे एक एटम या फिर एक न्यूक्लियस की साइज जितना छोटा कर दोगे। हालांकि ऐसे मटेरियल्स जिनकी डेंसिटी हाई होती है उनकी मदद से हम हाई डेंसिटी वाले प्रोसेसर्स और मेमोरीज को बना सकते हैं जिससे छोटी साइज में भी ये हाई प्रोसेसिंग स्पीड प्रोवाइड कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट भी प्रोसेसिंग स्पीड का ही आता है जिस पर टाइम एक बाउंडेशन लगाता है। अब देखो कोई भी सिग्नल चाहे जितना भी तेज क्यों ना हो यूनिवर्स में स्पीड की एक लिमिट है जिसे हम स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। एक कंप्यूटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से तेज सिग्नल्स का ट्रांसफर तो नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट आता है जो है कम्युनिकेशन डिलेज का। प्रोसेसर और मेमोरी के बीच जितनी फास्ट डेटा का ट्रांसफर होता है हमारा सुपर कंप्यूटर उतना ही फास्ट होगा। अब देखो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट ऑल डिपेंड्स ऑन एनर्जी सप्लाई।
अगर हमारे पास अनलिमिटेड एनर्जी सप्लाई हो जाए तो भाई क्या कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। हम इंसान हर अनइमेजिनेबल चीज को इनफाइनाइट एनर्जी सप्लाई से हासिल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हर चीज तो हमें अनलिमिटेड नहीं मिल सकती, राइट? लेकिन अगर हम एक लिमिट में रहते हुए कोई अल्ट्रा फास्ट और हाईली एडवांस सुपर कंप्यूटर बनाए तो हम भला किस लिमिट तक जा सकते हैं? वेल, इसका एक एग्जाम्पल हमें साल 1991 में आई चार्ल्स फ्लैट की बुक द सिलिकॉन मैन में मिलता है। इस बुक में राइटर ने एक ऐसे अल्ट्रा इंटेलिजेंट मशीन को इमेजिन किया है जिसकी साइज सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर के बराबर होगी। चार्ल्स फ्लैट ने इसका नाम दिया था जुपिटर ब्रेन, यानी कि एक ऐसा दिमाग जिसकी साइज जुपिटर के बराबर होगी। साल 1999 में एंडर सैंडबर्ग ने जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया था उसमें उन्होंने जुपिटर ब्रेन को थियोरेटिकली डेवलप किया है, जिसमें प्रोसेसिंग और मेमोरी डेंसिटी को बढ़ाने के लिए इसे डायमंड का बनाया गया है। अब क्योंकि ये ना सिर्फ डेंस होता है बल्कि इसकी कंडक्टिविटी भी बहुत हाई होती है, साथ ही ये एक्सट्रीम हीट को झेल सकता है और यूनिवर्स में इसकी अवेलेबिलिटी भी काफी ज्यादा कॉमन है। हमारे जुपिटर ब्रेन के मास को इतना रखा जाएगा कि कहीं वो अपनी ही ग्रेविटी से कोलैप्स ना हो जाए और उसे लगातार चलते रहने के लिए एनर्जी देती रहनी होगी सन की न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से। पर देखो दोस्त, सवाल ये आता है कि आखिर ये मेगा स्ट्रक्चर बनेगा कैसे और क्या रियलिटी में ये इंसानों के बस की बात है भी या नहीं? वेल, इसका पॉसिबल सॉल्यूशन है वॉन न्यूमैन मशीन। दोस्तों, साल 1940 के दशक में अमेरिकन मैथमेटिशियन जॉन वॉन न्यूमैन ने सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन का कॉन्सेप्ट दिया था। ये ऐसी मशीन्स होंगी जो यूनिवर्स में रॉ मटेरियल्स की तलाश करके अपनी जैसी डुप्लीकेट मशीन्स को डेवलप करेंगी और फिर वो न्यूली फॉर्म्ड मशीन्स और भी ज्यादा मशीन्स को डेवलप करेंगी। अब इस तरह ये साइकिल चलती ही रहेगी और इनके जरिए हम बड़े से बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स को काफी कम समय में बना सकते हैं। अब दोस्तों, जुपिटर ब्रेन को बनाने के लिए नैनोमीटर्स की साइज की सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन का यूज होगा जो इतने बड़े स्ट्रक्चर को उसके एक एक एटम से असेंबल करेंगी। आर यू कॉमेडी मी? अब जानता हूँ ये बात सुनकर आपको हंसी आ रही होगी, जुपिटर जैसे इतने विशालकाय ऑब्जेक्ट को हम अगर एक एक एटम जोड़कर बनाने लगे तो यार इसमें तो हजारों या फिर क्या पता लाखों साल लग जाएंगे। मतलब अगर मैं एग्जांपल देकर बताऊँ तो भाई सिर्फ एक इंसान की बॉडी में 10^27 एटम्स होते हैं, तो फिर जरा सोच के देखो कि जुपिटर कितने ही सारे एटम से बनेगा, जस्ट इमेजिन। पर दोस्तों, यही तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन्स के कॉन्सेप्ट का फायदा है कि यहाँ चीजें एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। अब देखो, शुरुआत अगर दो रोबोट से हुआ ना तो दो रोबोट्स और दो रोबोट्स को बनाएंगे एंड टोटल रोबोट्स चार हो जाएंगे, फिर वो चार मिलकर चार रोबोट्स को बनाएंगे और ऐसे ही ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसे हम सिडक्शन ऑफ द एक्सपोनेंशियल कर्व कहते हैं। अब इसका एक पॉपुलर एग्जांपल चेस बोर्ड पर राइस के ग्रेन्स का प्लेसमेंट है। अगर हम चेस बोर्ड के पहले ब्लॉक में एक राइस ग्रेन रखे, दूसरे में दो राइस ग्रेन रखे, तीसरे में चार राइस ग्रेन रखे और ऐसे ही सीरीज को आगे बढ़ाते रहे तो जानते हो 64th ब्लॉक तक रखने पर चेस बोर्ड पर कितने राइस ग्रेन्स मौजूद होंगे? वेल माय फ्रेंड, इसका नंबर होगा 18 क्वांटिलियन, यानी कि 18 × 10^18। अब अगर हम इतने राइस ग्रेन्स को एक लाइन से लगा दे तो भाई जानते हो इसकी लेंथ क्या होगी? ये होगी 9 लाइट ईयर्स का, यानी कि हम अपने नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक जाकर वापस भी आ जाएंगे और उसके बाद भी आधा सोलर सिस्टम कवर करने के लिए राइस ग्रेन्स बच जाएंगे। अब दोस्तों, एक बैक्टीरिया की साइज 1 माइक्रोन होती है, यानी कि 1 सेंटीमीटर का 10,000वां हिस्सा के बराबर। अब अगर सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन्स एटम बाय एटम एक बैक्टीरिया को बनाना शुरू करे और मान लेते हैं कि उन्हें इसमें 1 मिनट का समय लगता है, तो मुश्किल से मुश्किल 6 घंटे के अंदर वो पृथ्वी के बराबर बड़ा स्ट्रक्चर बनाकर तैयार कर सकती है और जुपिटर ब्रेन को बनाने में उन्हें 1 दिन भी नहीं लगने वाला। मतलब दिस थिंग इज थियोरेटिकली पॉसिबल, पर आखिर हम जुपिटर ब्रेन को बना क्यों रहे हैं और इसकी कैपेबिलिटीज क्या होंगी? वेल दोस्तों, मीडियम पर मौजूद इस आर्टिकल की माने तो एक जुपिटर ब्रेन जैसा अल्ट्रा इंटेलिजेंट सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में 10^42 ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। अब ये नंबर आपके कानों को सुनने में शायद उतना बड़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, ये इतना बड़ा है कि आपका दिमाग इसको सोचने के काबिल नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हम इंसानों का ब्रेन 1 सेकंड में 10^16 ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है और अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट बताती है कि आज तक पृथ्वी पर करीब 105 बिलियन लोगों ने जन्म लिया है। अब दोस्तों, अगर हम मान लेते हैं कि इनमें से हर इंसान ऑन एन एवरेज 50 साल जिया होगा तो उसने अपनी लाइफ में करीब 1.6 बिलियन सेकंड्स
स्पेंड किए हैं। तो सोचो 105 करोड़ लोगों में से हर बंदे के दिमाग ने 1.6 बिलियन सेकंड्स प्रोसेसिंग की है और एक सेकंड में 10 टू द पावर 16 ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं। अब अगर इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए तो ये करीब 10 टू द पावर 36 आएगा, जबकि एक जुपिटर ब्रेन के लिए ये नंबर 10 टू द पावर 42 है। इसका मतलब समझ रहे हो, ह्यूमन हिस्ट्री में हर एक इंसान ने हर एक पल में जो भी सोचा, जो भी फील किया है और जो भी कैलकुलेट किया है, उसकी सारी जिंदगी और उसकी सारी कॉन्शियसनेस कुल मिलाकर सिर्फ 10 टू द पावर 36 होती है, जो जुपिटर ब्रेन से 10 करोड़ गुना कम है। और ये सब जुपिटर ब्रेन 50 सालों में नहीं कर रहा, बल्कि ये सब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड में हो रहा है। यानी कि आज तक इंसानों ने जो कुछ भी उखाड़ा है ना, उसका 10 करोड़ गुना जुपिटर ब्रेन सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड में उखाड़ सकता है। और भाइयों, ये तो सिर्फ जुपिटर ब्रेन की ही बात हो रही है। अगर हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग मशीन्स को ना रोके तो इन अल्ट्रा इंटेलिजेंट सुपर कंप्यूटर्स की साइज सोलर सिस्टम या फिर मिल्की वे के बराबर भी हो सकता है। अब साइज में आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि इन सुपर कंप्यूटर्स की एबिलिटीज कितनी इनसेन होगी और हम इंसान इन्हें कंट्रोल करके क्या कुछ नहीं कर सकते। टाइप 1, टाइप 2 या फिर टाइप 3 सिविलाइजेशन बनना तो फिर हमारे लिए बहुत छोटी सी बात रह जाएगी। हम अपने आप में भगवान होंगे और यूनिवर्स की सारी नॉलेज हमारे पास होगी। लेकिन क्या जुपिटर ब्रेन जैसी कोई चीज रियलिटी में एग्जिस्ट करती होगी? वेल, क्या पता दूर अंतरिक्ष के किसी गैलेक्सी में रहने वाले हाईली एडवांस्ड एलियंस ने ऐसी मशीन्स बना भी ली हो। वेल, अगर ऐसा है तो ये हम इंसानों के एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाला है। इसीलिए नहीं क्योंकि शायद वो एलियंस फ्यूचर में आकर हमें खत्म कर देंगे, बल्कि इसलिए कि शायद हम पहले ही खत्म हो चुके हैं। इनफैक्ट शायद हमारा जन्म भी कभी नहीं हुआ है। जिस तरह आप मोबाइल गेम्स में अपने कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हो, शायद आप भी किसी एडवांस्ड एलियन के मोबाइल का कैरेक्टर हो और पूरी दुनिया को वो एलियन ऐसे ही किसी जुपिटर ब्रेन में सिम्युलेट कर रहा है। अब इस आइडिया का नाम है सिम्युलेशन हाइपोथेसिस और इसके बारे में मैं आपके लिए एक वीडियो पहले ही ला चुका हूं। अब अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि हम इंसान जुपिटर ब्रेन से क्या कुछ अचीव कर पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।